एमडी लिटिल फ्लावर स्कूल चिड़ावा, ए ग्रेट पैलेस फॉर एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, खेतड़ी से निजामपुर मोड़ से एक रैली का आयोजन हुआ, यात्रा का आयोजन हुआ है, और वो रैली जो यात्रा है वो निजामपुर मोड़ से रवाना हुई। 75 गाड़ियां थी, 75 किलोमीटर की लंबी यात्रा बताई जा रही है, और वो झुंझुनू पहुंची। झुंझुनू में शहीदों का सम्मान समारोह रखा गया, सैनिकों का सम्मान समारोह रखा गया। उसमें काफ़ी अतिथिगण भी यहाँ पर आए हुए थे, नेतागण आए हुए थे, पदाधिकारी भाजपा के आए हुए थे। युवा मोर्चा द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ, उनके द्वारा पूरी कार्यक्रम की नींव रखी गई है भाजपा युवा मोर्चा द्वारा। तो देखते हैं पूरा क्या कार्यक्रम था, क्या नहीं था, पूरी जानकारी लेंगे यहाँ पर पहुँचे हैं तो। उनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वाकई में एक आयोजन तो अच्छा ही था, क्योंकि ये जो नींव रखी गई है शायद ये आगे तक भी जानी चाहिए, क्योंकि ये अपने झुंझुनू में शायद पहली बार दफा हुआ है। जी बिल्कुल, अपने भारत देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं, जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। उन आज़ादी के परवानों की याद में हमने एक शहीद सम्मान यात्रा निकाली है, जो 75 किलोमीटर लंबी थी और 75 गांव और ढाणियों से होते हुए अपने झुंझुनू के झुंझार सर्किल पर यहाँ समापन हुआ। इसके साथ ही यहाँ पूर्व सैनिकों का और शहीद वीरांगनाओं का, 75 पूर्व सैनिकों और शहीद वीरांगनाओं का सम्मान अपने यहाँ झुंझार। पूरा कार्यक्रम आपके द्वारा रखा गया था, पूरी नींव आपके द्वारा रखी गई है, क्या ये यथावत आगे भी ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल, देखिए युवा मोर्चा के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ था जी। बाकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया, और बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा। इसे हम आगे भी अब चालू रखेंगे, हर वर्ष शहीदों की याद में ये हम यात्रा निकालेंगे। सर, बीच में यहाँ पर कलेक्ट्रेट के पास में पुलिस द्वारा रोका भी गया यात्रा को। देखिए, उनको लगा होगा कि हो सकता है किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, लेकिन जब हमसे बात की गई कि हमारा कार्यक्रम एकदम व्यवस्थित तरीके से है और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से शहीद की यात्रा निकाल रहे हैं, उनको हमने बताया तो उन्होंने हमारा स्वागत करके आगे। कितने सैनिकों का सम्मान किया गया? 75 सैनिकों का सम्मान किया गया। तो उसमें कैसा क्या अनुभव रहा आपका कि आज सम्मान समारोह था? वाकई में अद्भुत था, क्योंकि शायद झुंझुनू जिले में पहली बार ही, पहली दफ़ा ही हुआ ये कार्यक्रम ऐसा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी था और फिर सम्मान समारोह भी रखा गया। बिल्कुल, देखिए पर जिले के अंदर प्रत्येक जो राष्ट्र प्रेमी हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, और सबका ये मन था कि हम 17 तारीख को शहीद किस तरीके से मनाया जाए। तो सबका एक ही जो ख्याल आया उनके दिमाग में कि हम इनको शहीद सम्मान यात्रा के रूप में एक लंबी यात्रा निकाल कर, एक भव्य यात्रा निकाल करके। हाल ही में चढ़ावा के पास नरण में एक देशद्रोही पकड़ा गया, देशद्रोही कहेंगे क्योंकि वो जो भी खबरें थी छावनी की, जो फोटो वगैरह खींच के वो बाहर पाकिस्तान देश को, दुश्मन देश को भेजा करते थे। ये अपने डिफेंस की मैटर है, तो वो देख रहे हैं जो भी उनको उचित कार्रवाई करनी है और जो भी है करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर आपको बधाई कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। धन्यवाद। सर, आज क्या कार्यक्रम रखा गया झुंझुनू में, और खेतड़ी से जो यात्रा निकली थी उसका क्या उद्देश्य था, और क्या इसका एक मकसद रहेगा आगे भी, क्या ये जो कार्यक्रम रखा गया यथावत रहेगा या नहीं? देखिए, आज जो वर्ष, ये जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में हमारे देश को आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए, और उसी 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश, पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है जी। और उसी के निमित्त, आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से लेकर और 7 अक्टूबर तक, देखिए एक बहुत बड़ा ये सुखद संयोग है कि 2001 में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था, और 2014 तक उन्होंने एक लंबे समय पूरे समर्पण और पूरे ईमानदारी के साथ गुजरात की जनता की सेवा की, और 2014 में
जब प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक लगभग 7 वर्षों का समय गुजरा। इस 7 वर्षों के समय में पूरे देश और दुनिया में उनके नेतृत्व में भारत ने को एक सम्मान मिला, भारत को एक गौरव मिला है। और मैं कह सकता हूं कि सम्माननीय मोदी जी इस देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते हैं इसलिए निश्चित रूप से आपको भी इस बात का पता होगा कि अनेक ऐसे सर्वे पूरी दुनिया में हुए जिनमें सम्माननीय मोदी जी को पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता उस सर्वे में माना गया और निश्चित रूप से एक सच्चाई भी है। तो उसी के निमित्त आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के और हमने आदरणीय मोदी जी के 71वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर खेतड़ी की पावन धरा और परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की कर्म भूमि से और उनकी प्रतिमा को प्रणाम करके युवा मोर्चा के बैनर तले आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये एक 75 किलोमीटर की लंबी यात्रा तो खेतरी से शुरू होकर झुंझुनू तक 75 गांव और डाणियों से निकलते हुए और यहाँ झुंझुनू शहीद स्मारक पर आके हमने सभी शहीदों को प्रणाम किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसी कड़ी में आज इस स्थान पर जहाँ आपने अभी देखा कि हमारी जो शहीद वीरांगनाएं हैं और हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम पार्टी के युवा विंग द्वारा रखा गया है। और ये जो कार्यक्रम है आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकारों को भी राजनीति से कहीं बढ़कर महत्व देती है। और जिस प्रकार से आपने लगभग पिछले कोविड की दोनों लहरों में भी देखा होगा कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन अभियान चलाकर पीड़ित मानवता की सेवा में चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो उसमें कोविड के दौरान काम किया। और इसमें अनेकों अनेक कार्यकर्ता कोविड की वजह से सेवा करते हुए कालकल्पित भी हुए। इसलिए जिस प्रकार से दुनिया में इस पार्टी को जाना जाता है सेवा के लिए उसी के निमित्त और आज 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक लगभग ये 20 साल का जो कालखंड मोदी जी का राष्ट्र सेवा के रूप में रहा है, देश सेवा के रूप में रहा है, उसके उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर तक हमारी पार्टी के विभिन्न मोर्चों, प्रकल्पों, प्रकोष्ठों द्वारा अनेकों अनेक सेवा के कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक अनवरत जारी रहेंगे। झुंझुनू में आपकी यात्रा को पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया था? देखिए, पुलिस प्रशासन ने एक बार रोका था, उनका कहना था, उनको ऐसा लगा होगा कि कोई अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमने जब उनसे आग्रह किया कि हम शहीद सम्मान यात्रा लेकर आए हैं, ये शहीदों के सम्मान की यात्रा है और इसमें कोई भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, जैसे ही यहाँ जुझार सिंह जी सर्किल पर जैसे ही गाड़ियाँ पहुँचेंगी हम वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं उनको उतार कर गाड़ियाँ वापिस खाली स्थान पर चली जाएंगी और वो चली भी गई, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हाल ही में एक चढ़ाव के पास नरेड़ में एक युवक को पकड़ा गया है छावनी की कुछ फोटो वगैरह के चक्कर में? देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नरेड़ के पास का हो या चाहे और कहीं का हो, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की ये जो उत्सित प्रयास जो कि एक बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है, जिस धरती पे जन्म लिया, जिस धरती का अन्न जल खाकर और हम इतने बड़े हुए और उस धरती माता के साथ यदि कोई गद्दारी करता है तो निश्चित रूप से ऐसे गद्दारों के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है और उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज झुंझुनू पहुंचे हैं तो क्या कुछ विशेष रहा आज? आज हमने शहीद समारोह मनाया जिसमें बहुत ही अच्छा लगा, शहीदों को सम्मान करके शहीद यात्रा निकाल के हमने 75 किलोमीटर्स की यहाँ पे 75 दिवस पे हमने ये यात्रा निकाली है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी का मतलब अंदर से महसूस हो रहा है। तो अब ये यात्रा के अंदर खेतड़ी से गाड़ी में आई है, यात्रा में शामिल हुई है, तो कैसा क्या अनुभव रहा उसमें? खेतड़ी से हम चले थे, जहाँ पे भी हमें रास्ते में जो भी हमें शहीद की मूर्ति मिली हमने वहाँ पे उनको सम्मान किया, फिर वहाँ से सम्मान करते हुए फिर हम यहाँ तक आए हैं। जी, तो दोस्तों ये था पूरा कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी। आपकी क्या राय है इस कार्यक्रम के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो जुड़े रहिए चढ़ावा शिवनगरी के साथ, देखते रहिए चढ़ावा शिवनगरी। पढ़ा करके शहीद वीरांगनाओं का अभिनंदन और सम्मान करें। दिया कमला देवी, ये क्या है धांगर की लिख दिया। इससे अगली कड़ी के अंदर सुगनी देवी तैयार रहे। सुगनी देवी शहीद तुलसाराम जी जीवों का वास।
जिनका नाम, जिन शहीद वीरांगनाओं का नाम पुकारा जा रहा है, वो आराम से आ जाएं। हर्षिनी जी कुलहरी, जिला प्रमुख झुंझुनू, पुष्पा जी गुप्ता, शहीद वीरांगनाओं का माल्यार्पण करके अभिनंदन आप करें अपने कर कमलों से, और सो लौटा करके हमारे अतिथि महोदय लोकप्रिय सांसद और साथ में जय सिंह जी माठ, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, सुगनी देवी, श्री विश्वम जी पुनिया, अगले उसमें है बोकाला के जो है श्रीमती बावरी देवी, शहीद सबल सिंह, प्रतीक चिन्ह माल्यार्पण और सोल उड़ा करके शहीद वीरांगनाओं का आज के विशेष कार्यक्रम में अभिनंदन होता हुआ। इसी कड़ी में अगली बार अगला जो है शकुंतला देवी, शहीद सुरेंद्र कुमार स्वामी शही, श्रीमान राजेंद्र जी भामू साहब, गोविंद सिंह जी राठौर साहब, आप भी सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में अपने कर कमलों से सम्मानित करें शहीद वीरांगनाओं का। जितने भी